दोस्तों अगर आप केएल राहुल को बेहतर खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के पहले मुकाबले के लिए भारतीय टीम किस प्रकार से प्रदर्शन कर सकती है और किन किन खिलाड़ियों को भारतीय टीम में खेलने का मौका मिल सकता है, इस बारे में आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है केएल राहुल, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में से कौन है बेहतर खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज 9 जून से 19 जून के बीच खेली जाएगी और इस सीरीज में भारतीय टीम के कई युवा खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा, तो वहीं कई मुख्य और अनुभवी खिलाड़ियों को टीम से आराम दिया गया है और भारत की कप्तानी केएल राहुल करेंगे, तो वहीं साउथ अफ्रीका की कप्तानी टेम्बा बवुमा करते हुए दिखाई देंगे। और पहला मुकाबला 9 जून को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से पहचाना जाता था, और इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें जमकर अभ्यास कर रही हैं और भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से पिछली हार का बदला लेने के लिए इस बार बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे सकती है। और पहले मुकाबले के लिए भारतीय टीम बहुत ही ज्यादा उत्सुक है और इस मुकाबले में भारतीय टीम बहुत ही खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ खेलती हुई दिखाई देंगी, जिसमें ओपनिंग करने के लिए केएल राहुल और ईशान किशन खेलते हुए दिखाई देंगे। और केएल राहुल इस मुकाबले में कप्तान की भूमिका और पावर प्ले में धीमी बल्लेबाजी करके अंत में तेज तर्रार तरीके से टीम को बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाने का कार्य करेंगे और अपना अर्धशतक लगाएंगे, तो वहीं ईशान किशन पावर प्ले का फायदा उठाकर अर्धशतक लगा सकते हैं। तो वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर को टीम में खिलाया जाएगा और इनसे जिस तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद IPL में थी और इस सीरीज पर भी उनसे इसी तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी और ये 30 से 40 रन बना सकते हैं। तो वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत को भेजा जाएगा, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत 25 से 30 रन बना सकते हैं। तो वहीं इसके अलावा आगे बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या टीम को स्थिति के अनुसार सहयोग देंगे, जिसमें अगर टीम को तेज बल्लेबाजी की आवश्यकता है तो तेज तरीके से रन बनाएंगे, तो वहीं पार्टनरशिप की आवश्यकता होगी तो पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा 30 से 40 रन का योगदान ये भी दे सकते हैं। और अंत में दिनेश कार्तिक टीम को बेहतरीन समाप्ति देने के लिए 30 से 40 रन तेज तर्रार तरीके से जड़ सकते हैं और टीम को 200 से 210 रन का लक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। तो वहीं गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को फिरकी गेंदबाज के रूप में टीम में शामिल किया गया है और एक बार फिर कुलचा जोड़ी खेलती हुई दिखाई देगी और टीम के लिए 2 से 3 विकेट निकाल सकते हैं। और इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार टीम को बेहतर अनुभव के साथ सहयोग देंगे और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए टीम के लिए शुरुआती 1 या 2 विकेट और अंत में 1 या 2 विकेट लेकर कुल 2 से 3 विकेट हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा हर्षल पटेल, जिनको IPL में पर्पल कैप और टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट निकालने के लिए जाना जाता है, और उनके प्रदर्शन से टीम जीत जाती है और उसी तरीके से इन पर भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। पाक टीम के लिए 2 से 3 विकेट ये भी निकाल सकते हैं। और अंत में उमरान मलिक, जिनको गति का जादू और कहते हैं और जम्मू एक्सप्रेस के नाम से पहचाने जाने वाले, अपना डेब्यू मुकाबला खेलने के लिए उमरान मलिक बेताब है और अपने पहले मुकाबले में मध्यक्रम शानदार गेंदबाजी करके 2 से 3 विकेट हासिल कर सकते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम को 180 से कम स्कोर पर रोकना चाहेंगे। और इसी प्लेइंग 11 के साथ भारत की टीम खेलती हुई दिखाई देगी और पहले मुकाबले को आराम से जीत जाएगी। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले पहले मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज कर सकती है या नहीं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।